भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम तो रानी कमलापति कर दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में रहटी के पास रानी की निशानी गौंड रियासत के जमाने का किला गिन्नौरगढ़ सालों से दुर्दशा का शिकार है। गौंड महाराजा उदयवर्धन ने इस किले का निर्माण करवाया। यहाँ की अंतिम शासिका रानी कमलापति थी, जिनकी सुंदरता की तुलना परियों से की जाती है। कमलापति ने अपने दिवंगत पति के रिश्तेदार चैन शाह के षड्यंत्रों से बचने के लिए रानी अपने पुत्र नवल शाह के साथ गिन्नौरगढ़ किले में छुपी थी। विंध्य पर्वत श्रेणियों में एक पहाड़ी पर स्थित ये किला आज भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, पर देखरेख के अभाव में ये खस्ताहाल हुआ जा रहा है। ऐसे में कभी इस किले की रौनक जो कभी देखते ही बनती थी, अब अनदेखी के चलते लगातार खराब हो रही है। किले तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरकर आना पड़ता है। घने जंगलों के मध्य स्थित होने के कारण यहां जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है। इस किले में 7 तल वाले 4 महल बताए जाते हैं। 7 तालाब और 52 बावड़ी की कथा किला किन्नौर की ही है। पुरातत्व और पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र में ये किला अपने आप में बेजोड़ है। किले तक जाने के लिए पक्का रास्ता नहीं होने के कारण यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जंगली इलाका होने के कारण हिंसक जानवरों का भय बना रहता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र बुधनी में होने के बावजूद इस किले के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कभी प्रयास नहीं हुए, न ही कभी इसे पर्यटन के लिए विकसित करने की कोई कोशिश की गई, जिसके कारण ये अब खंडर में तब्दील होने लगा है। रहटी से EMS टीवी के लिए मोहित मेहता की रिपोर्ट। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।